हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। देख सकते हैं ये स्कंदगुप्त का बहुत ही प्राचीन है, हजारों वर्ष पुराना चीज़ है ये। स्कंदगुप्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, केबीसी में भी दिया गया था। तो दोस्तों, ये हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, आपको एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आए हैं यहाँ पे, बहुत ही प्राचीन स्थल है ये, जिसको बोलते हैं हजारों वर्ष पुराना चंद्रगुप्त मौर्य जब सम्राट बने थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल से ही यह स्थान है। जब सम्राट बने थे तो उनकी ये राजधानी बोली जाती थी। देख सकते हैं हमारे वीडियो में दोस्तों, ये अभी तक, मतलब अभी तक ये सुरक्षित है। और देख सकते हैं हमारे पीछे सब, और यहाँ पे आपको पीछे अशोक स्तंभ भी दिखाई देगा, राजधानी और पुराने चीज़ आपको दिखा देंगे मैं। दोस्तों, सैदपुर से लगभग 8 किलोमीटर लगभग दूरी पर ये है भितरी, तो भितरी बाज़ार में ही है। भितरी बाज़ार से बस 500 मीटर दूरी पर है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत प्राचीन चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। देख रहे हैं कि पूरा सुंदरीकरण हुआ है इनका, बहुत छोटा सा है। दोस्तों, आप ये भी पढ़ सकते हैं, कुदरे लाल पत्थर का बनाया स्तंभ 28 फीट ऊंचा तथा जमीन से ऊपर 10 फीट तक का भाग वर्गाकार त्रिभुज पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही 98 मिलियन में बनाया गया था ये। तो दोस्तों, ये स्कंदगुप्त का विजय स्तंभ है जो सैदपुर भितरी में एक संरक्षित रूप से सरकार द्वारा किया गया है। अब चलते हैं गार्डन की तरफ, आपको और चीज़ दिखा जाऊँ। नहीं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा, जो इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। दोस्तों, ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही प्राचीन चीज है। कब भैया आप कर्मचारी हैं यहाँ का? अच्छा, ये जैसे पहले महल वहल रह का ही अच्छा, तो ये मतलब इतना, मतलब ये खंडहर नुमा हो चुका है, इतना मतलब धरोहर बचल है। अच्छा, वैष्णो मंदिर है ये। दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत ही प्राचीन। ऊपर ना चढ़ गया? अच्छा अच्छा देख सकते हैं, ये सैदपुर भितरी में ये
विश्व धरोहर के रूप में अभी संरक्षित है। जो भी बचा खुचा हुआ है देख सकते हैं आप, और वो जो देख रहे हैं वो अशोक स्तंभ है। दोस्तों इसकी हाइट लगभग, और ये देख सकते हैं कोई देवी या ये मूर्ति लगी हुई है। तो दोस्तों वो देख सकते हैं आप, ये मूर्ति लगी हुई है। ये यहाँ पे एक कर्मचारी है भाई साहब, वो बोल रहे थे कि वैष्णो माता मंदिर का अवशेष बचा हुआ है ये। दोस्तों ये हजारों साल से इतना भी संरक्षित है, आप सोचिए कितना मोटी मोटी दीवारें हैं, देख सकते हैं ये तो भी पत्थर है। अभी हमको जानकारी नहीं है क्या चीज़ का है ये। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि जो कर्मचारी भैया हैं उनसे हम बात करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये मूर्ति, मूर्ति खंडित हो चुकी है, और हमारे यहाँ पे गरुड़ जी की मूर्ति है। वो कर्मचारी थे, उनसे पूछा मैं पीछे अंदर, तो बोल रहे थे कि गरुड़ जी की मूर्ति है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन मूर्ति है ये, ऐसा नहीं है कि अभी लगा हुआ है, तो आप जानकारी ले सकते हैं। ये यहाँ जो स्थान है इसको स्कंदगुप्त बोलते हैं। स्कंदगुप्त ये क्या चीज स्थान, मतलब किस चीज का स्थान है, मतलब ये भैया स्कंदगुप्त राजा का स्थान है। स्कंदगुप्त, हाँ स्कंदगुप्त राजा था, ये रहने वाले बिहार के थे। अच्छा, और यहाँ पे आए थे हूणों से युद्ध करने के लिए। हूणों का यहाँ पे दबदबा कायम हो चुका था। अच्छा, तो हूणों से युद्ध किए और विजय प्राप्त हुआ उनका, तो ये विजय स्तंभ बनवाए। अच्छा, दिखा, हाँ, और ये विजय स्तंभ बनवाए। और हिंदू लिखा हुआ था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय से, मतलब नहीं नहीं चंद्रगुप्त मौर्य तो उनके परिवार के से कोई मतलब है नहीं, तो गुप्त वंशज हैं, गुप्त वंश से। अच्छा, लोग, हाँ ये गुप्त वंशज है, मौर्य से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं लिखा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है उस पर कोई क्या किया काम, ये गुप्त वंशज है। हाँ, अभी तो अत्ता बच्चन पूछे थे, हाँ के बी सी में पूछे थे, ये भी गुप्त वंशज ही बताया था, जो बताने वाला बताया उसको मिला भी। ये स्थान कहाँ, ये गुप्त गुप्त वंशज है, वो कोई कुछ कहता है, कोई कहता है अशोक का स्तंभ है, लेकिन कुछ फालतू बात, अशोक स्तंभ नहीं, ये अशोक स्तंभ नहीं है, ये विजय का मतलब ये स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त का ये स्तंभ। फालतू जो जानकारी नहीं तो कुछ कोई कह लेता है, जैसे हमको ही नहीं जानकारी है, तो मतलब आप ही यहाँ पे कर्मचारी हैं, आप ही अच्छा बता सकते हैं। नहीं तो यहाँ स्कंदगुप्त का ये विजय स्तंभ है। तो भैया इतना बताने के लिए बहुत बहुत ठीक है भैया। तो दोस्तों जैसा कि हमको भी इतना जानकारी नहीं थी कि मतलब ये क्या है चीज़, तो भैया ने जैसा बताया, क्योंकि यहाँ पे वो कर्मचारी हैं और कर्मचारी मनोनीत किए गए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो साफ सफाई कर रहे थे। तो दोस्तों ये केबीसी में भी अमिताभ बच्चन ने पूछा था
कि ये स्कंदगुप्त कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं भीतरी में, और सैदपुर भीतरी से, मतलब सैदपुर से 8 किलोमीटर दूरी है भीतरी, भीतरी बाज़ार से सटके ही है स्थान। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।